हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल मिनी ट्रक का, जिसका नाम है महिंद्रा जीतो। तीन सीरीज में आती है, एस सीरीज, एल सीरीज एंड एक्स सीरीज। डीजल और सीएनजी में अवेलेबल है। सीएनजी वेरिएंट आता है सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में, जो आपके सामने खड़ा है X7-16। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 3,68,000 रुपये का। टोटल 8 वेरिएंट्स आते हैं महिंद्रा जीतो में, और यहाँ मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर, ये सीएनजी की बैजिंग, ये एम ड्यूरा इंजन की बैजिंग, ब्लैक ओआरवीएम्स, आउटसाइड डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग चेसिस पे बनी है महिंद्रा जीतो। ये इसकी ग्रिल, महिंद्रा का लोगो, 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है महिंद्रा के द्वारा जीतो में। और ये है वेरियंट की बैजिंग X7-16। सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन पे बनी है महिंद्रा जीतो फॉर मोर सेफ्टी। यहाँ से डाल सकते हैं आप ब्रेक फ्लूइड, और यहाँ मिलता है आपको सिंगल वाइपर, सिंगल वॉशर के साथ। बड़ी विंडशील्ड मिलती है आपको महिंद्रा जीतो में फॉर बेटर विजिबिलिटी। और फ्रंट बम्पर में मिलते हैं आपको वाइट कलर की रिफ्लेक्टर स्ट्रिप, ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है आपको। ये हैं रिफ्लेक्टर्स। फॉग लैम्प का प्रोविज़न मिलता है, आप बाहर से लगवा सकते हैं। ये इसकी लोअर ग्रिल। एंड सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैकपर्सन स्ट्रट, पीछे मिलता है आपको सेमी ट्रेलिंग आर्म का सस्पेंशन रियर में। एंड कलर ऑप्शन की बात करें तो टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं महिंद्रा जीतो में। सनराइज रेड, मैंगो येलो, अल्ट्रा मरीन ब्लू, प्रीमियम बेज, और ये जो आप सामने कलर देख रहे हैं ये है डायमंड वाइट कलर। और यहाँ मिलते हैं आपको 12 इंची के स्टील व्हील टायर, जिनका साइज़ है 145/80R12LT8PR। यही टायर साइज़ मिलता है आपको महिंद्रा जीतो के हर वेरिएंट में। एंड कार्गो बॉक्स डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ डेक लेंथ मिलती है आपको 6.5 फीट की, चौड़ाई यहाँ मिलती है आपको 1400 mm की, एंड हाइट मिलती है 290 mm की। अगर आप एल सीरीज लेते हैं तो आपको वहाँ पर डेक लेंथ मिलती है 6 फीट की, और एस सीरीज में मिलती है आपको 5.5 फीट की। चौड़ाई और लंबाई सेम रहती है एल और एस सीरीज में। और यहाँ मिलते हैं आपको टेल लैंप्स, यहाँ पे मिलती है महिंद्रा की एम्बॉसिंग, और इधर है सीएनजी वेरिएंट की बैजिंग। रेड कलर की रिफ्लेक्टर स्ट्राइप भी देखने को मिल रही है। और यहाँ से खुलता है ये कार्गो बॉक्स। एंड पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 700 किलो की पेलोड कैपेसिटी। एल सीरीज़ में 600 किलो का भी ऑप्शन है, और एस सीरीज़ में 600 किलो की पेलोड कैपेसिटी का ही ऑप्शन मिलता है आपको महिंद्रा जीतो में। ओपन बॉडी कंटेनर एंड क्लोज बॉडी कंटेनर का भी ऑप्शन मिल जाता है एसेसरीज़ में, आप डीलर के थ्रू लगवा सकते हैं विद वारंटी। और यहां से बंद होता है कार्गो एरिया बड़ी आसानी से। लो मेंटेनेंस मिनी ट्रक है महिंद्रा जीतो। एंड डेली में सिर्फ सीएनजी वेरिएंट ही अवेलेबल है महिंद्रा जीतो में। और यहाँ मिलती है इसकी बैटरी लेफ्ट हैंड साइड पे। व्हील कवर्स और स्टाइलिश टैकल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है एसेसरीज में, डीलर के थ्रू आप लगवा सकते हैं। और यहाँ मिलता है इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड व्हील बेस की बात करें तो इस गाड़ी में मिलता है 2500 mm का व्हील बेस, जो बनाता है बेटर स्टेबिलिटी महिंद्रा जीतो में। एंड कर्व वेट इधर मिलता है 720 किलो का, एंड ग्रॉस वेट मिलता है 1485 किलो का सीएनजी वेरिएंट में। व्हील बेस वेरी करता है एल सीरीज, एस सीरीज एंड एक्स सीरीज में। एंड डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ मिलती है आपको लेंथ 3581 की, वेट है 1485, एंड हाइट है 1750। व्हील बेस इधर मिलता है 2500 का। और यहाँ मिलता है आपको स्पेयर व्हील टायर राइट हैंड साइड पे, और उसके साथ है सीएनजी मीटर, जो बताता है कितनी सीएनजी अवेलेबल है महिंद्रा जीतो में। और ये कुछ स्पेसिफिकेशंस। एंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको 1 सिलेंडर का इंजन ऑप्शन सीएनजी में, जो प्रोड्यूस करता है 16 BHP की पावर विद 38 Nm ऑफ टॉर्क। एंड माइलेज की बात करें तो यहाँ मिलती है आपको 33.2 km/kg की माइलेज। अगर आप डीजल लेते हैं तो उधर आपको मिलती है 33.4 km/L की माइलेज। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं, और यहाँ से भरवा सकते हैं आप सीएनजी इस नॉब को खोलने के बाद।
एक ही सीएनजी सिलेंडर मिलता है आपको महिंद्रा जीतो में, आप देख सकते हैं इधर से भरती है सीएनजी महिंद्रा जीतो में। और यहां मिलता है आपको डुअल टोन इंटीरियर महिंद्रा जीतो में, ये इनसाइड डोर हैंडल सर्कुलर शेप में, लॉक अनलॉक का बटन, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको, ये लगेज नेट, मैनुअल विंडो, और ये हैं इसकी सीट्स, ये स्लाइड भी हो जाती हैं, ड्राइवर सीट ही आप स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे, पैसेंजर साइड ऑप्शन नहीं है। ये इसके पेडल्स, फ्लोर कारपेट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब मिलती है इधर आपको, और यहाँ मिलती है आपको दो स्टैंडर्ड कीज महिंद्रा जीतो में। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, इधर मिलता है आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, शानदार फीचर, टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील ब्लैक कलर का, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डमी बटन्स, 110 ऑडियो सिस्टम का प्रोविज़न मिल जाता है, ये लाइट्स और इंडिकेटर के कंट्रोल, ये वाइपर और वॉशर के, ये इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे है स्टोरेज एरिया, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, यहाँ मिलता है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट टू चार्ज मोबाइल फोन्स, और यहाँ पे है कुछ स्पेस, टिकट होल्डर या लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, पैसेंजर साइड सनवाइजर पे, ये रीडिंग लैंप, IRVM आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, और इधर मिलता है टिकट होल्डर का ऑप्शन ड्राइवर साइड सनवाइजर पे, यहाँ मिलता है ग्रैब हैंडल, ये ELR सीट बेल्ट्स, और ये पैसेंजर साइड डोर, इधर लगेज नेट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, मैनुअल विंडो सर्कुलर शेप में ही इनसाइड डोर हैंडल मिलते हैं, AC का प्रोविज़न नहीं मिलता आपको महिंद्रा जीतो में, और यहाँ मिलते हैं 4-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, फ्लोर कारपेट एज एसेसरी लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड नहीं मिलता आपको जीतो में, और यहाँ है इसकी हैंड ब्रेक, पैसेंजर साइड सीट स्लाइड नहीं होती है, फिक्स्ड है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको दोनों सीट्स पे, ड्राइवर और पैसेंजर, डुअल टोन इंटीरियर ऑरेंज प्लस ग्रे कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर, ये है पैसेंजर साइड डोर, लगेज नेट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर, CNG वेरिएंट है ये, और ये सीट है फिक्स्ड, स्लाइड नहीं होती है लाइक ड्राइवर सीट, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, एंड पीछे की विंडो मिलती है आपको फिक्स्ड, आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते हैं महिंद्रा जीतो में, और ये हैं इसकी कीज, इससे खुलता है एक ग्लव बॉक्स, बहुत ही कम स्पेस मिलता है आपको, आप देख सकते हैं की से ही खुलता है और बंद होता है। गाड़ी को ऑन कर लेते हैं अब, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इल्यूमिनेशन लाइट के साथ कुछ ऐसा दिखता है, एम्बर लाइट इल्यूमिनेशन मिलती है आपको, और MID पे इन्फॉर्मेशन आती है डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स की, फ्यूल मीटर भी दिखाता है एंड डिजिटल टाइम, टेम्परेचर मीटर भी दिखाता है इस MID पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे फ्यूल मीटर, पावर एसेसरी सॉकेट में कोई इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है आपको, और ये है हैजार्ड लाइट का बटन, और ये हैं इसके हेडलैम्प्स, यहाँ से आप कर सकते हैं बीम एडजस्ट इस वाले नॉब से, और आप इस सीट को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे, इतना स्पेस अवेलेबल हो जाता है पूरी सीट को आगे करने के बाद, सिर्फ ड्राइवर साइड सीट ही स्लाइड होती है, बढ़िया फीचर कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से। और यह है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक, साइड टर्न इंडिकेटर ऑन होने के बाद एंड पार्किंग लैंप्स, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिलता है आपको महिंद्रा जीतो में, और ये इसके हेलोजन हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद की लुक, एंड हर सीरीज में आपको डायमेंशंस अलग मिलती है, S सीरीज, L सीरीज एंड X सीरीज में, लेंथ और व्हील बेस अलग मिलता है आपको हर सीरीज में, 2500 व्हील बेस आपको सिर्फ टॉप एंड X सीरीज में ही मिलता है,
एंड सी एन जी वेरियंट सिर्फ टॉप एंड वेरियंट में ही अवेलेबल है। एंड कार्गो बॉक्स डायमेंशन की बात करें तो आपको चौड़ाई और लंबाई सेम मिलती है, सिर्फ टेक लेंथ का फ़र्क मिलता है सीरीज़ वाइज। और यहाँ पे आप रूफ कैरियर का भी ऑप्शन पा सकते हैं एसेसरीज में। और ये इसका रियर प्रोफाइल लुक, टेल लाइट्स ऑन होने के बाद विद साइड टर्न इंडिकेटर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको महिंद्रा जीतो? आप इसको लेना पसंद करेंगे नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।